morning students. Now in today's lecture, we will start next application of Biot and Savart's law, that is magnetic induction on the axis of a circular current carrying coil. Okay student, now consider a circular coil, okay, as shown in figure, through which current I is flowing. That current I is flowing in anticlockwise direction, for example, as shown in figure. Okay, now O is the center of this circular loop. Now consider x axis passing through the center of the circular loop, that is x axis. Okay, then perpendicular to x axis there is z axis vertically directed. Okay, and let this is y axis. So x axis, y axis and z axis are mutually perpendicular hote hain. To O point matlab origin yahan par, theek hai. Now consider point P. देखिए यहाँ पर पॉइंट पी हमने कंसिडर किया है. ओके, दिस इज द पॉइंट पी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप. तो ओपी डिस्टेंस यहाँ पर होता है एक्स. ओके, तो पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. अब उसके लिए हम यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं एट पॉइंट ए. लेट दिस इज स्मॉल एलिमेंट. ओके, ये यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया है जिसके लिए कितने होंगे डीएल. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल. नाउ सेंटर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट एंड पी पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ए पी डिस्टेंस मिलेगा जिसके लिए कितने यहाँ पर आर कंसिडर किए हमने. ओके, सो ए पी मेक्स एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस. Right now, according to Biot Savart's law, okay, P point पर इस small element dl की वजह से magnetic field जो produce होगी, that is dB. तो ये इसकी direction ये होगी along PM. This is the direction of magnetic induction. Okay, at point P due to this small element. तो इसका magnitude क्या होगा? That magnitude is given by dB is equal to mu 0 upon 4 pi idl sin theta divided by r square. Okay, I का मतलब यहाँ पर current passing through this circular loop. Okay, dl length of small element, sin theta. ओके, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? द एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट डीएल. ओके, उसका वेक्टर ये यहां पर दिखाया है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएल. इस ओके, स्मॉल एलिमेंट डीएल और एपी के बीच एंगल, मतलब ये एंगल हुआ यहां पर. सो दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, करेक्ट है ना. देखिए This small element dl, यहाँ पर इसका वेक्टर दिखाया डायरेक्शन, और इसका सेंटर A और P अगर ज्वाइन कर देते तो दिस डॉटेड लाइन एंड AP इसके बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होता है. देखिए दिस लाइन, दिस वेक्टर dl इज पैरेलल टू y एक्सिस. हमें पता है यहाँ पर अब y एक्सिस और x एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस का अगर ये पैरेलल है तो यहां पर इसका सेंटर A और दिस AP शुड बी परपेंडिकुलर. है ना, समझ में आ गया आपको? नहीं तो आपको फिर यहां पर इमेजिनेशन करवाना होगा. देखिए यहां पर, ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये सर्कुलर रिंग. ओके, देखिए दिस इज सर्कुलर रिंग, राइट. अब ये x एक्सिस है, ठीक है. तो ये डायग्राम इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी. दिस इज सर्कुलर रिंग. अब यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं एट पॉइंट ए. सो दिस पॉइंट इज ए. तो यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग का या सर्कुलर कॉइल का हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं. सपोज दिस इज स्मॉल एलिमेंट. ओके, तो इसका है पॉइंट ए यहाँ पर. एंड दिस लाइन टेंजेंट टू द पॉइंट ए. देखिए यहाँ पर एक टेंजेंट है टू द पॉइंट ए. तो ए पॉइंट पर दिस टेंजेंट लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर. ओके, तो देखिए
ए पॉइंट और यहाँ पर पी पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो ये डायग्राम ऐसे दिखेगी आपको, देखिए ये ऐसे दिखेगी, दिस इज द ए पी, ओके, ए पॉइंट और पी पॉइंट, समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ए पी एंड दिस डीएल इनके बीच एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री, राइट, समझ में आ गया आपको, ओके राइट स्टूडेंट, ओके। तो यहां पर एंगल थीटा कितना होगा फिर 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये इक्वेशन कैसे होगा, देखिए db इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इतना मैग्नीट्यूड यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी p पॉइंट पर, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट a अलोंग p m, सो दिस इज वेक्टर db, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर वेक्टर db that resolves into two components because this PM is not parallel to x axis or parallel to z axis, तो यहाँ पर ये resolve होगा। देखिए ये angle कितना होगा यहाँ पर, alpha होगा because this angle is alpha, okay, see this angle is 90 minus alpha because total angle is 90, तो ये alpha angle हो गया, remaining angle कितना होगा 90 minus alpha, no this angle is alpha, total angle is 90, so remaining this angle is 90 minus alpha. Now this angle is 90, okay, because direction of db is perpendicular to the line ap, so ye pura angle 90 degree hoga, but this angle is 90 minus alpha, so this remaining angle should be alpha, right. So ab db resolves into two components, so along z axis कौन सा component होगा, ये adjacent side है ना, so this is db cos alpha, db cos alpha, और perpendicular to this, this will be db sin alpha, okay, so db resolves into two components which are mutually perpendicular to each other, देखिए db cos alpha और ये db sin alpha, right. देखिए जैसे हमने यहां पर ए पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था, वैसे अब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर, ओके, यहां पर हम क्या करते एक और स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर देते और एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर स्मॉल एलिमेंट, ओके, तो ये डायरेक्शन होगी डीएल की, स्मॉल एलिमेंट डीएल जिसके लिए डीएल है, ओके, तो यहां पर यह रेडियस ए होगी। अगर हम B और P पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं तो यहां पर भी इतना ही एंगल प्रोड्यूस होगा अल्फा, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट B, उसकी वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा दैट इज आल्सो हैज मैग्नीट्यूड म्यू जीरो अपॉन 4π आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ओके, बट उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखिए DB की डायरेक्शन ये होगी PN अलोंग PN, अब मैग्नेटिक इंडक्शन along PN कौन सा होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट बी, ओके, उसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। नाउ दिस आल्सो देखिए यहां पर एंगल अल्फा होगा, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन DB भी यहां पर रिजर्व होगी, ओके, सो दिस विल बी DB cos अल्फा एंड this is along x axis that is db sin alpha, okay, ab yahan par dekhiye db cos alpha vertically upward, db cos alpha vertically downward, okay, db dono ka magnitude same hai, angle bhi same hai, to ye db cos alpha vertically upward, db cos alpha vertically downward get cancel, okay, now db sin alpha और db sin alpha ये दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड अलोंग द x एक्सिस, तो उनकी एडिशन होगी, समझ में आ रहा आपको, सपोज नाउ और एक यहां पर हम c पॉइंट कंसीडर करते थे स्मॉल एलिमेंट, ओके, तो इसके वजह से p पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी, ओके, तो कैसे होगी, यहां पर इस डायरेक्शन में होगी, ओके, सो इट आल्सो रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स,
DB cos alpha perpendicular and directed outward, okay, and DB sin theta कैसे होगी along the x axis. वैसे अगर diametrically opposite point यहाँ पर लेते हैं हम D point, okay, तो इस small element के वजह से P point पर जो magnetic induction produce होगी उसकी direction ऐसे होगी inward और उसका भी resolution होगा. एक कैसा होगा DB cos alpha perpendicular directed inward और DB sin alpha along the positive x direction. Okay, तो यहाँ पर भी देखिए DB cos alpha outward and DB cos alpha inward दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके और साइन और DB sin alpha दोनों की डायरेक्शन सेम होगी अलोंग द एक्स एक्सिस. तो आपको यहाँ पर एक इमेजिनेशन करना होगा. देखिए अगर हम इस सर्कुलर कॉइल को डिवाइड करते n नंबर ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट्स, ओके, तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर होगा. तो ड्यू टू ऑल स्मॉल एलिमेंट्स P पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा D में दैट रिजॉल्व्स इनटू टू कंपोनेंट्स. ओके, तो यहां पर DB cos अल्फा सब डायरेक्शन की तरफ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कंपोनेंट DB sin theta ड्यू टू ऑल स्मॉल एलिमेंट गेट एडेड बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, तो ड्यू टू ऑल स्मॉल एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल P पॉइंट पर जो नेट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ओके, तो B दैट मींस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल स्मॉल एलिमेंट्स इज गिवन बाय B इज इक्वल टू समेशन ऑफ DB sin अल्फा बिकॉज ऑल DB sin अल्फा कॉम्पोनेंट्स लाइज इन द सेम डायरेक्शन दैट इज अराउंड x एक्सिस. तो सबके यहां पर एडिशन होगी, समेशन होगा. तो दिस इज सो समेशन. ओके, DB की वैल्यू कितने म्यू जीरो अपॉन 4 पाई IDL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके, इनटू दिस साइन अल्फा. नो B इज इक्वल टू अब यहां पर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ओके इनटू I साइन अल्फा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर समेशन DL, ये इक्वेशन होगा. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन ट्रायंगल AOP, देखिए कौन सा ट्रायंगल AOP ट्रायंगल, यहां पर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है. तो साइन अल्फा का मतलब क्या होता है, साइन अल्फा मतलब यहां पर क्या होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर राइट एंगल. ओके, तो अपोजिट साइड कौन सी होगी यहां पर AO डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा AP, राइट, सो दिस इज A डिवाइडेड बाय R, ये साइन अल्फा की वैल्यू होगी. वेयर A इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप. ओके, देन अब देखिए R स्क्वायर की वैल्यू भी हम यहां पर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. In the same triangle AOP, this is hypotenuse. Okay, so AP square is equal to AO square plus OP square. So R square is equal to A square plus X square. OP का मतलब क्या होगा? X. AO radius A और AP R. No, this is the value of R square, right? अगर इसका स्क्वेयर रूट निकालते हैं हम दोनों साइड पर तो R इज इक्वल टू क्या होगा रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर कितना होगा ब्रैकेट का 1/2 रूट मतलब 1/2 होता है, ठीक है. नौ अब DL समेशन DL, अब समेशन DL मतलब यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट दूसरा तीसरा ओके
दिस सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट, उन सब की एडिशन होगी यहां पर, मतलब वी गेट हियर द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, तो इट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल which is equal to pi a, here a is radius of this circular coil, okay, तो हमारे पास अब सब की value आ गई, summation dl की value आ गई, okay, then r square की भी value यहाँ पर आ गई, sin alpha की भी value आ गई, now put all this value in equation number 2, we get b is equal to mu 0 upon 4 pi into I, okay, into, अब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नो डिवाइड बाय आर स्क्वायर मतलब ये लिखना है हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब ए बाय आर, ए बाय आर, इनटू समेशन डीएल दैट इज टू पाई ए, ओके, सो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इनटू I, okay, then 2 pi a into a square divided by this bracket a square plus x square into this r. अब r के लिए हम ये वैल्यू रख सकते हैं, है ना? तो a square plus x square raised to 1 by 2. Now pi pi get cancel, तो यहाँ पे ऐसा सिंप्लीफिकेशन होगा. तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, यहां पर ए स्क्वायर बचता है, डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, ओके, अब देखिए यहां पर ब्रैकेट सेम है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां पर पावर कितना होता है, 1 होता है, और यहां पर पावर कितना है, हाफ, इन दोनों पावर की अब एडिशन होगी, बिकॉज बेस ब्रैकेट तो सेम है ना, यहां पर 1 plus 1 by 2 मतलब कितना होगा, 3 by 2, okay, तो ये equation होगा, equation number 3, so this is the equation for magnetic induction due to circular current carrying coil at point P along the axis, that axis passing through center of the circular loop, तो P point पर magnetic induction कितना होगा, total circular coil की वजह से carrying current I, it is म्यू जीरो आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का पावर कितना 3 बाय 2, सो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इक्वेशन इज फॉर अ सिंगल लूप सर्कुलर कॉइल, अगर सर्कुलर कॉइल की संख्या ज्यादा होती है, ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए यहां पर लेट एन इज नंबर ऑफ टर्न्स और लूप्स, तो यही फॉर्मूला कैसे होगा, यहां पर b इज इक्वल टू म्यू जीरो n i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट 3 बाय 2, तो ये जनरल फॉर्मूला होगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके, दिस इज जनरल फॉर्मूला. अब यहां पर दो कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं, केस 1 एट सेंटर ऑफ कॉइल, एट सेंटर ऑफ कॉइल मतलब क्या होगा, पी पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, अगर ये पी पॉइंट हम सेंटर की तरफ लाते हैं तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब पी पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा तो एक्स क्या होगा, फिर 0 होगा, ओके, मतलब At the center of the circular coil, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब P point अगर हम O point पर लाते हैं, तब मतलब ये P point is at the center of the coil, तो ये equation क्या होगा, फिर यहाँ पर देखिए B is equal to mu 0 n I a square divided by 2 in bracket a square, okay, अब x की वैल्यू तो 0 ले रहे हैं, तो second term 0 हो जाएगी, और ब्रैकेट का पावर कितना रहेगा 3 बाय 2, दिस इज म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब देखिए ए स्क्वायर और ब्रैकेट का पावर 3 बाय 2, तो यहां पर 2 2 गेट कैंसिल,
तो एक क्यूब बचेगा, देयरफॉर बी के लिए इक्वेशन क्या आएगा फिर, म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय टू ए। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। देखिए म्यू जीरो एन आई अपॉन टू ए, जो हमने एप्लीकेशन देखा था, देखिए एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पर, म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, वहां पर आर का मतलब रेडियस और यहाँ पर ए का मतलब रेडियस होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होते हैं तो फिर वही फॉर्मूला आ गया ना, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू ए। ओके नाउ और एक फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए मतलब एक फॉर्मूला और यहां पर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैग्नेटिज्म टॉपिक में होने वाले हैं, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल के लिए हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने वाले हैं यहां पर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है यहां पर, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, ओके करंट इंटू सर्कुलर कॉइल का एरिया। अब इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ए मतलब एरिया, ओके एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन होते सर्कुलर कॉइल में तो यही फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, एन आई ए, ये फॉर्मूला होता है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। ओके अब इस फॉर्मूले को हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में तैयार करना होगा, तो देखिए यहां पर एन आई ऑलरेडी एन आई है यहां पर, तो मल्टीप्लाइड बाय ए मतलब एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल करते हैं, तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ओके ए डिवाइडेड बाय टू ए इनटू पाई ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। सर्कुलर कॉइल उसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर कॉइल का एरिया पाई ए स्क्वायर, तो हमने यहां पर क्या किया है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो यहां पर ए लिखा है सिंबल और डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। ओके अब देखिए यहां पर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो ओके डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू एन आई ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर, दैट बिकम्स ए क्यूब। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए म्यू जीरो अपॉन फोर पाई ओके इंटू, अब देखिए यहां पर टू पाई, इसको फोर पाई लिखा है, मतलब ऊपर हमें क्या करना होगा, टू से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टू ओके और एन आई ए के जगह पर क्या लिखेंगे आप, यम यम लिखा है डिवाइडेड बाय ए क्यूब। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ओके तो यहां पर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 10^-7 वेबर पर एम्पियर मीटर, यम का मतलब यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके अगर ये डायरेक्ट वैल्यू दिए तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिए तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहां पर। ओके म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय टू ए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स और करंट और रेडियस दिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ केस टू, सेकंड केस, ओके अब पी पॉइंट, ओके पी पॉइंट कहां पर है, एक्स डिस्टेंस पर है ना, अगर ये पी पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हम कंसिडर करते हैं, दैट इज पॉइंट पी इज एट फार अवे फ्रॉम सेंटर, ओके मतलब एक्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहां पर ए इज लेस देन एक्स है ना, पी पॉइंट मतलब एक्स डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि कंपेयर टू ए बहुत ज्यादा होगा, मतलब ए की वैल्यू कंपेयर टू एक्स बहुत कम हो जाएगी, सो ए इज लेस देन एक्स, तो यहां पर हम ए स्क्वायर की टर्म निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है तो यही फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर
mu 0 n I a square divided by 2. ओके अब देखिए ए स्क्वायर तो हम निगलेक्ट करने वाले हैं यहां पर एक्स स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर और इसका पावर 3/2 तो यहां पर एक 2 कैंसिल हो जाएगा राइट तो फिर म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एक्स क्यूब ओके अब यही फॉर्मूला हम अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ओके तो यहां पर एन आई अब ए स्क्वायर है इसको अगर इल्यूमिनेट करना है तो हमें पाई से मल्टीप्लाई करना होगा अगर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं फिर एन आई ए को हम कैपिटल एम रिप्लेस कर सकते हैं है ना ओके तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई लाने के लिए हमें क्या करना होगा 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा देखिए b इज इक्वल टू म्यू जीरो ओके इन टू 2 पाई एन आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 एक्स क्यूब इन टू 2 पाई क्या किया यहां पर हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड किया है ओके अब यहां पर देखें म्यू जीरो अपॉन 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई राइट इंटू अब देखें यहां पर 2 एन आई अभी पाई इधर लाते हैं यहां पर पाई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब राइट नाउ इट इज इक्वल टू देखिए म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 ओके अब देखिए यहां पर एन आई पाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल सो दिस इज रिप्लेस बाय ए ओके सो एन आई ए मतलब देखिए यहां पर एन आई ए इसको हम क्या लिखेंगे कैपिटल एम तो यहां पर एम होगा डिवाइडेड बाय दिस एक्स क्यूब सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओके स्टूडेंट्स